everyone, this is Shashi. Welcome back to my channel once again, where I share so many simple and beautiful lifestyle contents to make a house into home. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा प्रोडक्टिव मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन. होम मेकिंग एक फुल टाइम जॉब है एंड समटाइम्स इट्स रियली वेरी टायरिंग और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को टाइमली फिनिश नहीं कर पाते. तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं इसमें शेयर करूंगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स भी है. सो वॉच द वीडियो टिल टू एंड एंड इफ यू लाइक इट डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल. मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा मैं पॉजिटिविटी के साथ ही करती हूँ. मैं उठी, उसके बाद फ्रेश हुई और ध्रुव के लिए मैं मिल्क गर्म करने के लिए रख दी हूँ. और हमेशा ना मैं अपने किचन में अगरबत्ती या धूप जो थोड़ा बहुत सुगंधित वाला होता है ना वो जला के रखो तो काफ़ी मूड ना फ्रेश हो जाता है. ऐसे सौंधी सौंधी खुशबू आते रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे. आप लोग को भी पसंद है क्या मुझे बताना. उसके बाद मैं यहाँ पर लेमन वाटर अपने लिए बना रही हूँ. तो मैं डिफरेंट टाइप का डिटॉक्स वाटर लेते रहती हूँ. हमेशा नहीं लेती लेकिन बीच बीच में लेते रहती हूँ. कभी कभी प्लेन वाटर भी लेती हूँ. इससे हमारे जो सिस्टम है ना काफ़ी अच्छे से क्लीन होता है. सो ये मैं अभी पीऊँगी. और यहाँ पे ध्रुव कुछ अपना खेल रहा था तो मैं उसके साथ बैठ के थोड़ा बहुत चिट चैट करते हुए अपना जो पानी है वो यहाँ पर पी. यहाँ पर ध्रुव का मिल्क भी ठंडा हो गया था तो मैं इसको कप में बोर्नवीटा के साथ दे दूंगी. आई नो यार, बोर्नवीटा इज़ नॉट हेल्दी, इसमें काफ़ी शुगर होता है, लेकिन ध्रुव को प्लेन मिल्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको ये डाल के देती हूँ. और अभी उसको मैं दूंगी और ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग जाऊँगी. आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू है अवोकाडो सैंडविच. ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी भी होता है. इनिशियली ध्रुव को ना अवोकाडो का कोई भी रेसिपी पसंद नहीं आता था, बट नाउ ध्रुव हैज़ स्टार्टेड लाइकिंग दिस सैंडविच अ लॉट क्योंकि उसको काफ़ी टेस्टी लगता है. और उसको बहुत सारे फॉर्म में मैं उसको देती हूँ, रैप बना के, सैंडविच बना के, पराठे बना के. और ये बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है. ये सैंडविच काफ़ी फ्रेंड्स बनाते भी होंगे बट मैं क्विक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ. तो मैंने सारी सब्जियों को बारीक चॉप कर लिया है. तो सारी सब्जियों में मेरे पास टमेटो और अनियन है, बेल पेपर्स वगैरह भी हैं लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है, वो मैंने चॉप किया. धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया था, आपके पास हो तो ज़रूर से ऐड कीजिए. उसके बाद मैंने पका हुआ जो अवोकाडो है उसको अच्छे से स्मैश कर लिया. ध्यान रहे अवोकाडो जो है अच्छे से पका होना चाहिए. उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, इटालियन हर्ब्स, ये सारी चीज़ें को ऐड किया. सारी सब्जियों को उसमें आपको अच्छे से मिक्स करके एक आपको मिक्सचर तैयार करना है एंड इट्स डन. एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड लेमन जूस. ये अवोकाडो को ब्लैक होने से बचाता है, नहीं तो बहुत जल्दी ना अवोकाडो ब्लैक हो जाता है और दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता. तो आप लेमन जूस ऐड करेंगे ना ये ब्लैक नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से इसका कलर जो है वो रिटेन रहता है. कोशिश कीजिए जब आप ये मिक्सचर बनाए ना तो तुरंत के तुरंत ही उसको यूज़ कर ले. तो मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया है, उसमें अच्छे से मैं एक साइड ग्रीन चटनी और एक साइड केचप लगाऊंगी और जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है वो उसमें अच्छे से फिल कर दूंगी. तो आपको जितना मिक्सचर पसंद है वो सारी चीज़ों को उसमें फिल कीजिए क्योंकि ये काफ़ी फ्लेवरफुल होता है. क्योंकि अवोकाडो का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा ये सारी चीज़ें डालने से ये काफ़ी टेस्टी बन जाता है. और फिर एक स्लाइस को ऊपर रख के आप उसको अच्छे से ग्रिल पैन में या फिर टोस्टर है जो भी है आपके पास उसमें आप उसको सेक लीजिए.
सो जब भी मुझे सैंडविच बनाना रहता है या फिर रैप भी बनाना रहता है, मैं अपने ये कास्ट आयरन का जो पैन है उसको यूज़ करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों साइड बटर लगाइए और सैंडविच को अच्छे से ग्रिल कर लीजिए। मैंने दोनों साइड अच्छे से सेक लिया है और देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ग्रिल का जो मार्क है ना वो आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं इसको ध्रुव को सर्व कर दूंगी और बाकी हम लोग के लिए भी मैं ऐसी सैंडविच बना लूंगी। के साथ मैं यहाँ पर लंच का भी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो आज मुझे बनाना है भिंडी और कढ़ी, तो सारी तैयारियाँ मैं पहले से कर लूँगी। इससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है कुकिंग करना। तो भिंडी को सबसे पहले मैं विनेगर वाटर से धोकर सोक करके रखूँगी 10 से 15 मिनट। उसके बाद मैं साफ़ पानी से धो लूँगी और उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और वैसे ही दाल राइस को भी मैं यहाँ पर धोकर सोक करके रख दूँगी। एंड दाल राइस का जो पानी ना फ्रेंड्स काफ़ी बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए। तो जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम धोए तो आप थ्रो कर दें, और दूसरे बार तीसरे बार जब भी धोए उस पानी को आप अपने पौधों को दें, आपके पौधे काफ़ी हेल्दी ग्रो होंगे। वैसे तो मैं हमेशा पानी को स्टॉकअप करके नहीं रखती हूँ। जिस दिन मुझे प्लांट्स को देना होता है उस दिन मैं इस पानी को एक जार में भर के रख लेती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पानी को प्लांट्स में दे देती हूँ। तो हमेशा मैं दोपहर में कभी भी प्लांट्स को पानी नहीं देती, या फिर मैं मॉर्निंग में देती हूँ या फिर मैं इवनिंग में। मैंने लंच की सारी तैयारियां कर दी है, अब मैं जाऊंगी शावर लेने। तो मैं आती हूँ शावर लेके, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ शावर लेके, अब चलिए बनाते हैं लंच। तो मैंने दोनों साइड दोनों बर्नर में रख दिए हैं। एक साइड मैं अपना कास्ट आयरन का पैन रखी हूँ, दूसरे साइड मैं स्टेनलेस स्टील का पैन रखी हूँ। तो स्टेनलेस स्टील वाले में मैंने कढ़ी बनाना है और इसमें भिंडी का जो फ्राई है वो बनाऊँगी। तो कढ़ी के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल और भिंडी के लिए भी मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किए हैं। दोनों को आपको अच्छे से गर्म करना है, नहीं तो कच्चा सा टेस्ट आता है। अब मैंने कढ़ी के लिए जितने भी चीज़ें डाली हैं वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दी हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और साथ के साथ मैं भिंडी की भी जो तड़के हैं ना वो डालने लगी हूँ। तो ऐसे ही काम जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आप लोग को स्क्रीन में मिल जाएगा। भिंडी में मैंने तड़का लगाने के बाद उसमें मैंने पटेटो ऐड किए हैं, और अच्छे से उसको मैं ढककर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि पटेटो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और साथ के साथ जो कढ़ी का तड़का था ना उसमें मैंने सारे चीज़ों को डालने के बाद टमेटो ऐड किया और सारे जो बेसिक मसाले हैं वो सारे ऐड किए।
और अच्छे से हमें कढ़ी का जो तड़का है उसको भूनना है, और साथ के साथ मैं भिंडी का जो आलू वगैरह है उसको भी मैं स्टिर करते रहूँगी ताकि वो नीचे जले ना। और कास्ट आयरन पैन की ना एक खासियत है, वो उसमें जो हीट है ना काफ़ी अच्छे से रिटेन रहता है, और जो क्रिस्पीनेस आती है ना, ओ माई गॉड आई लव इट। तो जब पटेटो अच्छे से भून गया तब मैं यहाँ पर भिंडी को ऐड करूँगी एंड अच्छे से मिक्स करूँगी। जब कढ़ी का तड़का अच्छे से भुन गया ना, ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लग गया, तब मैंने इसमें कर्ड ऐड किया है जो मिक्सचर बना के रखी थी वो, और उसको फिर आपको तब तक चलाते रहना जब तक उसमें एक बॉईल ना आ जाए, अदरवाइज़ जो दही है ना जो मिक्सचर है वो फटने के चांसेस होते हैं। उसमें अच्छे से बॉईल आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है और अच्छे से इसको मैं उबलने दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर भिंडी भी काफ़ी अच्छे से पक गया है। मैंने जो रेसिपी है उसको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में या स्क्रीन में भी मेंशन किया है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टमेटो ऐड किया और बेसिक स्पाइसेस ऐड किए, सॉल्ट ऐड किए। तो भिंडी में हमेशा सॉल्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत डालिए, अदरवाइज़ भिंडी है ना वो टूट जाते हैं। आपको सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद ही डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी कितनी अच्छे से उबल चुकी है, तो मैं इसमें डालूँगी बूंदी। बूंदी डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको और उबालूँगी, मतलब एक दो बॉयल आने तक, देन इट्स डन। और भिंडी भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका है, काफ़ी कम मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं और ये काफ़ी अच्छे से पक भी चुके हैं, तो भिंडी भी यहाँ पर बनकर रेडी है। तो दोनों सब्जी मैंने साथ साथ यहाँ पर बना लिए। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट कर दूंगी। सैलड भी यहाँ पर बना लिया है, तो मैंने सिंपल ही सैलड बनाया है अनियन और क्यूकम्बर का। तो मैंने क्यूकम्बर अनियन को चॉप कर लिया, उसमें सॉल्ट पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया है और ये तैयार है हमारा रिफ्रेशिंग सा सैलड। यहाँ पर राइस भी पक चुका है, तो इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। और जो साइड में देख रहे हैं ना, इसमें मैंने कढ़ी बनाया था, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसमें पानी डालकर गैस में थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। इससे पॉट को क्लीन करना ना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पर जो पापड़ है वो भी फ्राई कर लिया है, और सिंपल सा सेटिस्फाइंग हमारा जो लंच है वो बनकर रेडी है। लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, और पहले से ही मेरा टू डू लिस्ट में शामिल था प्लांट का केयर करना। तो मैं डिवाइड कर करके करती हूँ, एक ही दिन सारे प्लांट्स को नहीं करती, मेरे पास काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हैं। तो मैंने जो जो केयर करना था उसको यहाँ पर बालकनी में ला ली हूँ। और ये मैट ना मैंने कुछ टाइम पहले ही खरीदा था, पहले मेरे पास था वो ख़राब हो गया है, छोटा भी था वो,
अब इस मैट में मैं सारे पौधों को पॉट्स को रख दूंगी। काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स, इससे घर काफ़ी क्लीन रहता है, मैस नहीं होता है। बस जब आपका केयर करना ख़त्म हो जाए, आपका काम ख़त्म हो जाए, बस मैट को उठाना है, उसको अच्छे से वॉश करके सुखा कर रख देना है। तो मैंने सबसे पहले तो चेक किए कि किसमें किसमें पानी की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है, फिंगर को इंसर्ट करके देखना है। फिंगर अगर ड्राई आ रहा है तो समझ जाइए कि उसको पानी की ज़रूरत है। तो वो मैंने किया, उसके बाद मिट्टी को ऊपर ऊपर से मैंने खोदा, ज़्यादा अंदर से नहीं खोदना है उसको। और जिसमें मिट्टी का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि हम जब थर्ली पानी डालते हैं ना तो मिट्टी काफ़ी बह जाती है, तो उसको चेक करते रहना चाहिए कि मिट्टी में कमी तो नहीं आ गई है, आपके गमले में मिट्टी कम तो नहीं हो गया है, वो आपको चेक करते रहना है। तो वो मैंने किया, सारे सूखे पत्तियाँ ऐसे तो ज़्यादा थे नहीं, पर जितने थे मैंने सारे निकाल दिए। और उसके बाद जो चावल का पानी, दाल का पानी है, वो मैंने दिया, सिंपल वाटर जिसको देना था दिया। तो आप पानी देना तो हमेशा ध्यान रखें कि वो तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपके इंडोर प्लांट्स के। तो बस वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर की। मैंने आप लोग के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अपने आप को कोई भी काम के लिए मोटिवेटेड कैसे रखें, अपने होम मेकिंग के लिए, जॉब के लिए, जो भी आपके काम है उसके लिए। तो आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। वो आपको खुशी देगी, आपके स्ट्रेस को कम करेगी, आपको अच्छा फील कराएगी। जैसे कि मुझे गार्डनिंग पसंद है और मैं एवरीडे सीखते रहती हूँ इसको, तो मैं काफ़ी खुश होती हूँ अपने प्लांट को हेल्दी ग्रो होते देखकर, उसको उसकी हेल्दी मतलब पत्तियों को देखकर, ग्रीन कलर को देखकर, ये मुझे काफ़ी खुशी देती है। इसका केयर करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इससे मेरे काफ़ी सारे जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो रिलीज़ हो जाते हैं और मैं अपने आप को इंटरनली काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा फील करती हूँ। सो अपने लिए, अपने हॉबीज़ के लिए ज़रूर से टाइम निकालिए, इससे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और आप फैमिली का अपना काफ़ी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। यहाँ पर सारे प्लांट्स को अच्छे से पानी दे दिए हैं और मैंने उनको शावर भी करा दिया है। इससे क्या होता है ना, जितने भी डस्ट होते हैं पत्तियों में वो सारे क्लीन हो जाते हैं और उसके पत्तियाँ काफ़ी शाइनी हो जाती है और ग्रो करने में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। वैसे ही ये मॉन्स्टेरा प्लांट है, उसके भी मिट्टी मतलब थोड़े से ड्राई हो चुके थे, उसको मैंने पानी दिया। और मॉन्स्टेरा का एक प्रॉब्लम है, अगर आप इनकी पत्तियों को अच्छे से क्लीन ना करो ना, तो इसमें डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो ना डल डल से लगने लगते हैं पत्तियाँ। तो इसकी पत्तियों को ज़रूर से साफ़ करें ताकि ये हेल्दी ग्रो हो। फ्रेंड्स, मुझे पहले ना प्लांट्स रखना तो अच्छा लगता था, बट उसका केयर करना मुझे उतना समझ में नहीं आता था। बट मैं धीरे धीरे रिसर्च करके मतलब सीख रही हूँ, अभी भी काफ़ी मैं प्रो तो नहीं हुई हूँ, बट काफ़ी कुछ आप जब करते रहते हो ना तो समझ में आने लगता है कि पानी का क्या रिक्वायरमेंट है, कब इसको आपको कटिंग करना है, प्रूनिंग करना है, कब इसको आपको खाद देना है, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाओगे, जो कि मैं भी अभी लर्न कर रही हूँ। और काफ़ी कुछ समझ में आने लग जाता है जब आप कोई भी चीज़ों को चाहने लग जाते हो ना, आप उसका केयर करना सब कुछ सीख जाते हो। यहाँ पर मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना अपने प्लांट्स को हेल्दी ग्रो होते देखकर, उनके पत्तियों को इतने हरे भरे देखकर। फ्रेंड्स,
सीरियसली आप भी जरूर से ट्राई करना, ये काफी एक थेरेपी का काम करेगा आपकी लाइफ में। करते करते का इवनिंग हो चुकी है, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। इसके लिए मैंने ऑयल और बटर को गरम किया, ऑयल बटर गरम हो गया, उसके बाद मैंने जो कॉर्न कर्नल्स है वो ऐड किए और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड की, उसको थोड़ी देर के लिए भूनी, उसके बाद थोड़े बहुत जब कॉर्न जो है वो मतलब फूटने लग गए ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर लेट बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे जो पॉपकॉर्न हैं वो यहाँ पर बनकर रेडी हो गए हैं। स्नैक्स में मैंने बनाया था पॉपकॉर्न, वो खाने के बाद फिर थोड़ी देर हम ऐसे बैठ के चिटचैट करते रहे और फिर मैंने डिनर बनाया। तो डिनर के असच मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की है क्योंकि लेफ्ट ओवर भी था और मैंने आलू पराठे बनाए थे, तो सिंपल सा हमारा डिनर हो गया था। ये है आफ्टर डिनर मेरा क्विक क्लीनिंग रूटीन जो मैं एवरीडे फॉलो करती हूँ, और जो मैंने यहाँ पर स्प्रे यूज़ किया है वो होममेड मैं बनाती हूँ वही है। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है और काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, वो मैंने किया। एवरीडे मैं ट्रैश बिन है उसको खाली कर देती हूँ रात में और फ्रेश जो बैग है वो इंसर्ट कर देती हूँ, और हर अल्टरनेट डे मैं इस बिन को वॉश भी कर देती हूँ अच्छे से विनेगर या बेकिंग सोडा डालकर, ताकि इसमें जो अनवांटेड जो स्मेल है वो ना आए, क्योंकि गर्मी के दिन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो मैंने किया, गार्बेज को मैंने बाहर रखा। सो ये सारी चीज़ें ना मैं नाइट में ही कर लेती हूँ ताकि सुबह कोई परेशानी ना हो और अलग से टाइम ना देना पड़े। बाद में ना यहाँ पर डेली एक कैंडल जला कर रखती हूँ, मेरे पास ये ऑयल डिफ्यूज़र है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर, कोई भी अपने पसंद का एसेंशियल ऑयल आप इसमें डाल दीजिए और काफ़ी अच्छी खुशबू, एकदम रिफ्रेश आपका किचन लगने लग जाएगा, या फिर आपको ऐसा पसंद है ना तो आप ज़रूर से करें, आप बाथरूम में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है पीपरमेंट ऑयल, इसकी जो मतलब फ्रेशनेस है ना मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब और स्पेशली इन समर डेज़। सो आप भी ज़रूर ट्राई करना और डू लेट मी नो अगर आपको ऐसा करना पसंद है। तो मैंने काफ़ी छोटा कैंडल यूज़ किया है, ये थोड़े एक आध घंटे में ये बुझ जाएगा, तो वो मैंने किया और आप देख सकते हैं बाथरूम में भी मैंने एक रखा है, बट मैंने इसमें अभी कैंडल नहीं जलाया है। अब क्विक सा चलो अपना जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो कर लेते हैं। मैं नाइट की स्किन केयर रूटीन है ना उसमें डबल क्लिनजिंग मेथड फॉलो करती हूँ, जो भी मेकअप है उसको आपको रिमूव करना है, जिससे भी आप रिमूव करते हो, मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग ऑयल है उसको वॉश करने के लिए मैं बेबी सोप का यूज़ करती हूँ, और उसको वॉश करने के बाद मैं जो डेली का फेस वॉश है उससे वॉश करती हूँ। इससे क्या है आपका फेस काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर लूँगी ब्रश, और जो भी आपको CTM करना है, जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो कर लीजिए एंड गुड टू गो, क्योंकि स्किन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने स्किन केयर को ज़रूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन भी ख़त्म हो गया है। मैंने आप लोग के साथ अपना पॉजिटिव प्रोडक्टिव फुल डे रूटीन शेयर किया, होपफुली आप लोग को पसंद आई होगी, और काफ़ी सारे रूटीन्स वीडियो मेरे चैनल में हैं, उसको ज़रूर चेकआउट करना। अच्छा लगे तो उसका फीडबैक भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। हमेशा अपना हॉबी को जिंदा रखिए और अपने आप को खुश रखिए। मैं शशि मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।